हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18, एक्सरसाइज 18A का। यह है क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन का। और कंस्ट्रक्शन का ये क्वेश्चन लिया गया है SSC मैथ की बुक से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आज भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसमें बोला गया है कंस्ट्रक्ट एंगल ABC इक्वल टू 45 डिग्री इन विच BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर। मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि एक हमें एंगल बनाना है जिसका नाम होगा ABC, जो 45 डिग्री का होगा, जिसमें से आर्म BC की जो साइज होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी और आर्म AB का जो साइज होगा वो होगा 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमें ये एंगल बनाने के लिए हमें सिर्फ यूज करना है इस रूलर का और कंपास का यूज करना है। तो हम डायरेक्टली जो है 45 डिग्री का एंगल तो बना नहीं सकते रूलर और कंपास के हेल्प से। तो हमें सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक 90 डिग्री का एंगल, जो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। फिर हमें उसके बाद इसका बाइसेक्टर ड्रा करना पड़ेगा। बाइसेक्टर ड्रा कर देंगे तो ये 90 डिग्री के एंगल को जो है टू पार्ट में डिवाइड कर देगा। मतलब 45 डिग्री या 45 डिग्री में डिवाइड कर देगा, तो हमें मिल जाएगा 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये तो समझ में आया, ये रफ था, फिगर था। अब हम ड्रा करते हैं एंगल को। एंगल में सबसे पहले हमें ड्रा करना पड़ेगा BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना पड़ेगा जिसका नाम होगा BC और उसकी साइज होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ड्रा करते हैं। BC हमने कर लिया है ड्रा, है ना, BC हमने कर लिया ड्रा और ये लाइन सेगमेंट है, इसका साइज है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे ये जो है हमने जो ड्रा किया ये 5 सेंटीमीटर नहीं है, हम सिर्फ मान लेते हैं कि इसकी साइज क्या है 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमने इसको स्केल को यूज करके ड्रा नहीं किया है इस लाइन सेगमेंट को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने बताया था कि रूलर और स्केल के हेल्प से, रूलर और कंपास के हेल्प से जो है डायरेक्टली हम लोग 45 डिग्री के एंगल को नहीं बना सकते। हमें डायरेक्ट जो है 45 डिग्री का एंगल अगर बनाना होगा तो हमें जो है प्रोट्रैक्टर का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ हम यूज कर नहीं सकते, हमें सिर्फ यूज करना है रूलर का और कंपास का। इसलिए हम सबसे पहले एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। तो 90 डिग्री के एंगल को ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें बी को मानना पड़ेगा सेंटर। बी को सेंटर मानकर एक हमें करना पड़ेगा, एक आर्क ड्रा करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आर्क हम ड्रा करेंगे तो ये इस तरीके से ये हो जाएगा और ये लाइन सेगमेंट BC को कट करेगा पॉइंट डी पे, है ना, यहां तक तो काम हो गया। ठीक है, और जितने रेडियस का ये आर्क है, जितने रेडियस का ये प्रीवियस आर्क है, उतने ही रेडियस का एक हमें कर्व, एक जो है आर्क यहां ड्रा करना पड़ेगा जो प्रीवियस आर्क को जो है ई पे जो है कट करेगा। ठीक है, प्रीवियस आर्क को ई पे कट करेगा। तो ये डी को हमने सेंटर माना, यहां हमने कंपास को अपने रखा और एक प्रीवियस आर्क को जो है जितने रेडियस का ये था उतने ही रेडियस का जो है हमने दूसरा आर्क ड्रा किया, जो आर्क पहले वाले आर्क को डी पे मतलब ई पे कट कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ई को सेंटर मानकर एक दूसरा आर्क ड्रा करेंगे जो प्रीवियस एकदम सबसे पहले वाले आर्क को F पे जो है कट करेगा। ठीक है, हो गया, इसका नाम D था, इसका नाम E, इसका नाम F। ठीक है, ये हो चुका है F। अब हम क्या करेंगे, E और F दोनों को मानेंगे सेंटर, E और F को दोनों को हम सेंटर मानेंगे, जो इसे कट करेगा यहां पे और यहां पे कट करेगा, तो कुछ इस तरीके से ये कट करेगा, है ना। फिर ये जो है हम इसको गलत हो गया क्या, सही है यहाँ पे इस तरीके से कट करेगा। और अब हम क्या करेंगे, इसको जो है हम इससे कर देंगे मैच, हो गया। तो ये इसको मान लेते हैं जी, ठीक है, इसको मान लेते हैं ओ
और यहां इसको ले जाते हैं ऊपर, ये जो है प्रोड्यूस करता है पी, ठीक है, लाइन सेगमेंट पी बी को प्रोड्यूस कर रहा है। अब हमने एक 90 डिग्री के एंगल को ड्रा कर लिया है, लेकिन हमें 90 डिग्री के एंगल को ड्रा नहीं करना था, यहां हमें 45 डिग्री के एंगल को ड्रा करना था रूलर और कंपास के हेल्प से, ठीक है। जब हमने यहां ड्रा कर लिया है तो हम आसानी से 45 डिग्री के एंगल को ड्रा कर सकते हैं। जब हम इसका बाइसेक्टर, इस 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्टर करेंगे, इसका बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो हमें 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। बाइसेक्टर का काम क्या होता है, किसी एंगल को टू पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। तो सी डी ई इसको हम रख लेते हैं एफ, ठीक है, ठीक है, इसको मान लेते हैं एफ, यह हाँ जहां कट रहा है एफ, नहीं एफ नहीं, एफ तो यहां है, इसको मान लेते हैं जी, ठीक है। अब हम कह रहे हैं जी और डी दोनों को मानेंगे सेंटर, जी और डी दोनों को मानेंगे सेंटर, और एक का आर्क ड्रा करेंगे जो कुछ इस तरीके से, जब डी को सेंटर मानेंगे तो एक आर्क ड्रा करेंगे जो इस तरीके से होगा, और फिर जी को सेंटर मानेंगे दूसरा आर्क ड्रा होगा जो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, रुक जाओ फिर से, कुछ इस तरीके से होगा, यहां तक होगा। और फिर बी को इससे कर देंगे मैच, ठीक है, मैच कर देंगे, और ये प्रोड्यूस करेगा एक लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। तो और इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्यू, है ना। अगर अब आप देखेंगे, लेकिन यहां कट करें, इसको यहां मिला देंगे, लेकिन हम ध्यान देंगे कि ये जो ए बी का जो साइज होना चाहिए 4.6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो मान लो यहां से लेके यहां तक जो है ए बी की जो साइज है 4.6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, लेकिन आप जो है इसको ड्रा करने के लिए आप यूज करोगे स्केल का, मतलब रूलर का यूज करोगे, ठीक है, 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां इसको लिख दे, प्रोड्यूस हो गया ए बी, तो ये बन चुका है ए बी सी इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, ये भी 45 डिग्री है। टोटल कितना था, टोटल था 90 डिग्री, 90 डिग्री को बाइसेक्टर हमने ड्रा करके टू पार्ट में डिवाइड किया 45 और 45 में, तो हमें क्या, कौन सा एंगल चाहिए था, ए बी सी इक्वल टू 45 डिग्री, ए बी सी, ठीक है, ये 45 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि हमने 90 डिग्री को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, हमें 45 डिग्री मिल गया, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एंगल पी बी ए लिख सकते हैं, एंगल पी बी ए इक्वल टू, एंगल पी है ये बी है ये ए, एंगल पी बी ए इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल ए, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी बी सी, ठीक है, पी बी सी, पी बी सी हाफ हाफ पी बी सी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, वन बाई टू एंगल, वन बाई टू पी बी सी, मतलब क्या है इसका, मतलब ये कि एंगल पी बी ए, पी बी ए कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है, और एंगल ए बी सी, ए बी सी 45 डिग्री का है, और एंगल 1/2 ऑफ पी बी सी, पी बी सी टोटल कितना, टोटल कितने डिग्री का है, ऐसे जो बना है वो बना है 90 डिग्री का, तो हम यहां लिख सकते हैं। तो अगर आप जो है इसको सॉल्व करोगे तो 45 डिग्री मिलेगा, मतलब 45 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब ये कि एंगल पी बी ए इक्वल टू 45 डिग्री, ए बी सी भी 45 डिग्री, और एंगल जो कि पी बी सी, जो कि एंगल पी बी सी के क्या है, इक्वल है। तो हमें कहां पता चला कि एंगल ए बी सी क्या है, 45 डिग्री का है, ठीक है। तो नाउ एंगल ए बी सी इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा।
देख लीजिए। अब आई मुद्दे की बात समझ में आए तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब। बाय।